देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। इंदौर के देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट में ट्रैफिक कंट्रोल टावर में मंगलवार को ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट सिस्टम लगाया गया। अब इसकी मदद से एटीएस में बैठे अधिकारी पायलट से सीधे संपर्क में रहते हुए देश में उड़ रहे हर प्लेन की सही लोकेशन देख सकेंगे। अब तक इसके लिए इंदौर को अहमदाबाद पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे पायलट को ज़्यादा सही जानकारी मिलने के साथ ही लैंडिंग में भी ज़्यादा मदद मिल सकेगी। एयरपोर्ट पर इसके संचालन के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। अभी इंदौर ATC में उपलब्ध उपकरणों की सहायता से फ़ोन के माध्यम से विमान से संपर्क किया जाता था, जबकि 5 नॉटिकल माइल और 14,500 फीट से ज़्यादा ऊँचाई पर उड़ रहे विमानों से संपर्क के लिए इंदौर एयरपोर्ट को अहमदाबाद ATC से मदद लेना पड़ती थी। इसमें पायलट को ATC से मिलने वाले मार्गदर्शन के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था। इंदौर एयरपोर्ट पर बढ़ रहे हवाई यातायात को देखते हुए अधिकारियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से इंदौर में ADBS सिस्टम लगाने की मांग की थी। इस पर मुख्यालय द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद इसे मंगलवार को ATC में शुरू करते हुए ATC अधिकारियों को इसके संचालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।